हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ अजीब ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले बात करते हैं वाले पहले प्रोडक्ट की। तो भाई, दिखने में काफी छोटी सी केबल है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। ये दुनिया की सबसे पहली कीरिंग केबल है जो कि 100 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि इस कीरिंग को यूज करके आप अपने फोन को अल्ट्रा फास्ट चार्ज कर सकते हो। यही नहीं, इस पिद्दी से केबल से आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिलती है यूएसबी ए, यानी कि लैपटॉप में लगने वाली, फिर माइक्रो यूएसबी, यूएसबी टाइप सी भी देखने को मिल जाती है। यहां तक कि आपको अपने लैपटॉप वाले जो चौड़ में घूमते हैं ना, तो उनके लिए एक लाइटनिंग केबल में मिल जाती है। साथ के साथ इस केबल के अंदर आपको ओटीजी सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप एक फोन से दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो। यानी कि बात यह हुई कि अपने भिखारी दोस्त को आप हॉटस्पॉट तो शेयर करते थे, अब है ना चार्जिंग भी शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इस केबल के अंदर से ना डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि कई बार यार होता है ना, यूएसबी केबल खरीद लेते हैं, उससे फोन तो चार्ज होता है लेकिन डेटा ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन इसमें डेटा ट्रांसफर की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। जब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई यहाँ पे आपको काफी खतरनाक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये एल्युमिनियम अलॉय से बनी हुई है, तो मतलब टूटने वूटने का ज्यादा टेंशन नहीं है। साथ के साथ जो इसका फाइबर है ना, वो मिलिट्री ग्रेड फाइबर से बना हुआ है, काफी तगड़ा है भाई, ऐसे मुड़ मुड़ाने से खराब नहीं होने वाला। और यहाँ पे आपको दो मैग्नेट भी देखने को मिल जाती है जिनके पास चिपक से चिपक जाती है, और इसको कीरिंग बना के यूज कर सकते हो। साथ ही एक छोटी सी कैप भी देखने को मिल जाती है जिससे भाई आप उसको ढक सको, और ये जो इतनी धूल-धाल उड़ती रहती है उससे खराब ना हो। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो भाई इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है $29 के आसपास, जो कि बैठता है करीबन 2200 रुपए। तो भाई जितने फंक्शन ही ऑफर कर रही है ना, मतलब के फंक्शनलिटी के हिसाब से मतलब वो जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आप सैमसंग और एप्पल की केबल लेते हो तो भाई वो काफी महंगी आती है, और ये तो सारे काम कर रही है। तो गाइस, इस वीडियो में जो भी मैं ना आपको प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके उसको देख सकते हो अगर खरीदना चाहते हो तो। और मेरे को चार्ज करने के लिए चैनल को खटक दबा के सब्सक्राइब कर लो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि भाई हमारा जो इंचार्ज एक्स अभी आपको दिखाया था ना, छोटी पिद्दी केबल, उसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई यानी कि ये आपको 5 फीट की केबल मिलती है विद सेम स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपको यहाँ पे 100 वॉट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, मिलिट्री ग्रेड की आपको फाइबर भी देखने को मिल जाती है, मतलब सारे फंक्शन इस बड़ी केबल के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई टेस्टिंग करने के लिए मैंने अपने S21 अल्ट्रा को इसके सुपर फास्ट चार्जर से चार्ज करके देखा, केबल को लगा के, तो भाई यहाँ पे पूरी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। 100 वोट इन्होंने हवा में नहीं बोला, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो भाई इसका प्राइस करीबन पड़ता है यहाँ पे आपको $39, जो कि मोटा मोटा करीबन 3000 रुपए के आसपास आता है। अब आप बोलोगे यार 3000 रुपए का केबल खरीदता है क्या, सही बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, सूचना के लिए आपके लिए, कि भैया एप्पल की अगर आप केबल खरीदो लाइटिंग वाली, तो करीबन 1900 रुपए की पड़ती है। वो तो सिर्फ एक ही काम कर रही है, यहाँ पे आप मल्टीपल चीजों को चार्ज कर सकते हो, अपने ब्लूटूथ स्पीकर भी कर सकते हो, यूएसबी टाइप सी मिलती है, टाइप ए भी मिलती है, तो मतलब, और जो क्वालिटी है इसकी बहुत ही तगड़ी, एकदम मिलिट्री ग्रेड की है, मैंने खुद इसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से 3000 रुपए का जो मतलब प्राइस है, इसके लिए जस्टिफाइड है। अगर आप मतलब काफी ट्रेवल करते हो, आपके मल्टीपल डिवाइस है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है इंचार्ज प्रो। ये प्रो लोगों के लिए है, प्रो लोग नहीं समझा, अरे प्रो लोग वही जो आईफोन यूज करते हैं, वो अपने आप को प्रो ही समझते हैं सोसाइटी में, तो उनके लिए केबल आपको यहाँ पे स्पेशली देखने को मिलती है। इसके अंदर यूएसबी टाइप सी से लाइटिंग केबल का सपोर्ट मिलता है, पर कुछ को बस प्रो लोग होते हैं, उनको ज्यादा टाइप ए की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके लिए केबल है जो कि आप वो यूज कर सकते हैं अपने आईपैड वाईपैड जिसके साथ यूज करना है, स्पेशली आईफोन के साथ यूज कर सकते हैं, तो बढ़िया है, वो ये खरीद सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि भाई हमारे प्रो लोग यानी कि एप्पल यूजर्स के लिए ही है। तो भाई अगर आपने आईफोन खरीद लिया, तो वायरलेस चार्जर भी कुछ लोग ले लेते हैं, जिसका नाम है मैगसेफ। तो यार मैगसेफ ले तो लिया, मैगसेफ टेबल पे उधर भागता रहता है क्योंकि पतला सा तो होता है, तो उसी के लिए इन्होंने प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है मिनी डॉक फॉर मैगसेफ। तो यार मोटी मोटी भाषा में बताओ कि यार मैगसेफ इधर उधर भागता है ना, उस आवारा मैगसेफ को एक जगह रखने के लिए ये आपके लिए प्रोडक्ट बनाया है, जिसको आप टेबल पे लगा सकते हो। वुड का बना हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे आपको मैग्नेट देखने को मिल जाती है जो कि एकदम से चिपक जाता है आपके मैगसेफ के ऊपर। साथ के साथ नीचे यहाँ पे आपको एक सक्शन कप देखने को मिल जाता है, जिससे आप किसी भी सरफेस पे उसको चिपका सकते हो, यानी कि दीवार पे चिपका के आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो, टेबल पे लगा के कर सकते हो। तो अगर आप मतलब थोड़े दुखी हो चुके हैं कि मेरा मैगसेफ आवारा गर्दी करता रहता है टेबल वेबल के ऊपर, तो आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको करीबन $19 का देखने को मिलता है करीबन 1400 रुपए के लिए। प्रो लोगों के लिए 1400 रुपए तो कुछ है ही नहीं, तो अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि मेरे को सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लगा इस पूरी वीडियो में। तो भाई जिंदगी में भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, और हमें कभी ना पावर बैंक का यूज करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पावर बैंक आते हैं काफी भारी, उनको ले जाने में काफी इश्यू होते हैं। अब जेब में डालो पैंट के अंदर, तो पैंट नीचे निकल जाती है, इतने भारी तो यहाँ पे पावर बैंक देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ऐसा पावर बैंक दिखाने वाला हूँ जो कि आपके कीरिंग के अंदर आ जाएगा, चौंक गए, मैं भी ऐसे चौंक गया था। तो भाई इस डिवाइस का नाम है ताऊ, अरे वो अपने गांव वाला ताऊ नहीं, ये पावर बैंक है, इसका नाम ताऊ है। और सबसे बढ़िया चीज इसकी यही है कि इतना पोर्टेबल है कि आप अपनी कीरिंग में डाल के इसको लेके घूम सकते हो, काफी हल्का है।
इसके अंदर यहाँ पे आपको दो सपोर्ट देखने को मिलते हैं, एक तो यूएसबी टाइप सी का और लाइटिंग केबल। तो कुल मिला के मेजरली आप बहुत सारे पोर्टेबल डिवाइस को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर भी आजकल मेजरली यूएसबी टाइप सी आने लग गया है। तो आप स्पीकर चार्ज कर सकते हो, आईफोन को चार्ज कर सकते हो, मतलब मेजरली सब चीज कवर होगी। यहाँ पे आपको 1400 mAh की इसकी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आप कहोगे यार ये तो बहुत कम है यार, यहाँ पे तो 15,000 या 10,000 होनी चाहिए थी, लेकिन इसके साइज के हिसाब से काफी सही है। और भाई अगर आपका फोन डेड हो चुका है तो भाई 1400 mAh भी काफी सही रहेगी, इमरजेंसी कॉल वॉल कर रहे तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यार ये कि जेब में पड़ा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सबसे बड़े क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि इसको चार्ज कैसे करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई जब भी बाहर बाहर से आओगे तो कीरिंग से निकाल लोगे, चार्जर में लगाओगे, फिर दोबारा कीरिंग में डाल लोगे, लेके जाओगे। भाई यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको इसके साथ मिलता है मैग्नेटिक डॉक, जिसके ऊपर आप जैसे इसको लेके जाओगे तो वहां चिपक जाएगा। तो इस मैग्नेटिक डॉक को जहां भी आप अपनी कीरिंग वीरिंग टांगते हो ना, वहां सरफेस पे लगा दो। यहाँ पे आप स्क्रू देखने को मिलता है, उससे आप वहां पे ठोक दो, फिर जैसे ही बाहर से आओ ना सीधा मैग्नेटिक डॉक में अपना ये ताऊ लगा दो, ये चिपक जाएगा, और जब जा रहे हो तो निकाल के ले जाओ। तो मतलब आपकी डेली रूटीन में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं है कि आप कब चार्ज करके लेके जा रहे हो, और जब इमरजेंसी आएगी तो 1400 mAh ना आपका काम पूरा करेगी। तो मेरे हिसाब से काफी तगड़ा प्रोडक्ट है, काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जरूर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। $29 का ये देखने को मिलता है, करीबन 2200 रुपए का यहाँ पे आपको रेट देखने को मिलता है। अगर आप अच्छा अगर पावर बैंक खरीद रहे हो तो 1500 रुपए तक तो वैसे ही लग जाते हैं, फिर उसको यार चार्ज अलग से करो, जेब में डाल के घूमने में प्रॉब्लम। तो अगर आपका मतलब ऐसा काम है, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, इमरजेंसी में कभी आपको नीड पड़ जाती है, तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट जो मेरे को लगे और काफी यूजफुल हो सकते हैं, काफी तगड़े प्रोडक्ट्स हैं। और मैं बता दूं कि वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं थी, मैंने बस ब्रांड को अप्रोच किया था कि मेरे को कुछ रिव्यू यूनिट भेजो, मैं उन पे वीडियो बनाना पसंद करूंगा। उन्होंने मेरे को रिव्यू यूनिट भेजी और मैंने वीडियो बना दी, तो भाई यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं मिला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है वीडियो को करें लाइक और धुक-धुक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही कॉमेडी के मसाले के साथ आपको टेक वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो रोहित शर्मा भाई, क्या चक्कर है, आजकल जीत नहीं रहे हैं।